కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కే స్టేట్స్ ఆర్ యూటీస్ ఫుడ్ ఆర్ షెల్టర్ కి వ్యవస్థ కర్ రహీ హై. అప్డేటెడ్ ఫిగర్స్ కే అనుసార్ 21,486 यानी कि 21,486 रिलीफ कैंप सेटअप हुए हैं, जिसमें 6,75,193 पर्सन्स को शेल्टर दिया जा रहा है और लगभग 25 लाख लोगों को मील्स दिए गए हैं. आज ये सब आज लॉकडाउन के एनफोर्समेंट और एसेंशियल सप्लाईज की स्टेटस को रिव्यू करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीसी द्वारा डिटेल डिस्कशंस किए. कैबिनेट सेक्रेटरी ने सबको रिएटरेट किया कि कार्गो मूवमेंट हैसल फ्री होना चाहिए बिना किसी रुकावट के, और ये डायरेक्शंस ग्राउंड लेवल तक इफेक्टिवली ट्रांसमिट होने चाहिए. उन्होंने स्टेट्स और यूटीज को ये भी रिक्वेस्ट किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेडिशियसली होना चाहिए, त्वरित गति से होना चाहिए. और चूंकि ये बेनिफिट्स का डिस्पर्समेंट बैंक्स वगैरह के थ्रू करना है, तो इसकी प्लानिंग बहुत ही मेटिकुलस तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि सबको बेनिफिट्स मिले पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी मेंटेन हो. जैसा मेरे कलीग ने बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्टेट्स और यूटीज को ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स में जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनके लिए ट्रेन्ड काउंसलर्स और कम्युनिटी ग्रुप लीडर्स के साथ मिलकर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए. और हमारा पूरा विश्वास है कि इन सब मेजर्स के साथ हम इंश्योर कर सकेंगे कि लॉकडाउन सक्सेसफुल हो और साथ ही एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन रहें. ICMR की तरफ से डॉक्टर गंगाखेड़कर. आज तक हमने 47,951 टेस्ट किए हैं. 4,562 टेस्ट जो हैं वो ICMR नेटवर्क के जो लैब्स थे उसमें कल हुए. वो तकरीबन अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 38% है. प्राइवेट लैब्स में जो कल का आंकड़ा आया है वो 816 है. ICMR के लैब्स के नेटवर्क में अब टोटल संख्या जो है लैब की वो 126 हो गई है. नंबर ऑफ प्राइवेट लैब्स जिनको अप्रूवल दिया गया है उनकी संख्या 51 हो चुकी है. Now we can take questions from Doordarshan. सर, अगर जागरूकता की बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी और कुछ इसमें कुछ करने की जरूरत है और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है? जिस तरीके से HIV में स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, तो आपको लगता है कि और जरूरत है कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए? देखिए, जागरूकता क्रिएट करने कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है. तो जैसे आपने कहा कि ये जागरूकता आपके थ्रू डिफरेंट और मोड के थ्रू सरकार ऑलरेडी कर रही है. लॉकडाउन जो एक ऐसे प्रोसेस हमने इनिशिएट किया वो भी एक जागरूकता का ही पार्ट है, जिसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई हैं. सारी स्टेट्स इसके बारे में काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जागरूकता और जागरूकता की जो इंटेंसिटी है उसको समझते हुए, जो इशू है उसकी इंटेंसिटी को समझते हुए उसके ऊपर पालन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट एक विषय है. हम हमेशा कहते हैं कि कई बार हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें नहीं होगा. वह भावना किसी के अंदर ना हो, हम सब लोग उस थ्रेट का पार्ट हो सकते हैं जिसके तहत हमें सबको रिएक्ट करना चाहिए. मिस्टर साहिल फ्रॉम ANI. So there have been reports of doctors, nurses contracting COVID. The government has maintained that it has sufficient support, stock of PPPs. Have these been sent to all frontline clinics and hospitals across the country? Because reports of the contrary are coming. And adding one more point, then in the last 24 hours, the highest spike in the cases is being seen. India has the lowest testing numbers as compared to rest of the world. Will there be any change in the testing strategies now? Just supplementary, I'd like actually from same lines. There are reports from several hospitals across the country complaining about quality of PPE. Is there any action being taken by the Ministry of Health?
As far as PPEs are concerned, you are aware that PPEs, there was a problem to begin with because the product was imported. But Government of India took series of steps since January itself, not only prohibiting exports, but also parallelly ensuring that we develop indigenous capacity. Parallelly, we also revised the guidelines based on the type of virus we are dealing. And as per the revised guidelines and creation of these indigenous manufacturers, we are trying to upgrade the capacity and availability of PPEs in the country. It is an ongoing process. We have also parallelly followed up through Ministry of External Affairs in terms of importing PPEs as per need. And what we have done is whatever PPEs have been obtained, these PPEs, based on the caseload, they are also being supplied to the state in terms of management also. Last question, Mr. Upadhyay. मैडम, एक तो आपसे जानना था कि ये जो तबलीगी जमात वाला केस है, इसमें कितने लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और इसमें कितने फॉरेनर्स इन्वॉल्व हैं, और एक क्लैरिफिकेशन अगर आप दे सकें कि ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि एनएसए समझाने गए थे मौलाना साद को 28 तारीख की रात को, तो क्या ये ऑफिशियली हुआ था? अगर क्या हुआ था, कैसे हुआ था? और एक सवाल आईसीएमआर से था कि सर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर बहुत सारी धारणा अभी भी चल रही हैं, ऑफिशियल पोजीशन क्या है? क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को दवा के तौर पर आईसीएमआर ने मान्यता दी है? तबलीगी जमात के इशू पर एक इलैबोरेट प्रेस ब्रीफ ऑलरेडी जारी हो गया है होम मिनिस्ट्री द्वारा. माय रिक्वेस्ट विल बी दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड वील कम्युनिकेट मोर डिटेल्स टू यू सेपरेटली. अच्छा, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का जो आपने पूछा, जैसे पहले भी हम बार बार बोल चुके हैं, ये किसी कोई लोग हर इंसान ने इस्तेमाल करने की दवा नहीं है. ये सिर्फ एक डेमॉन्स्ट्रेशन स्टडी करके डॉक्टर्स और जो कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ लैब कन्फर्म केसेस, उनको दी जा रही है. उसका डेटा जब पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या इसको आम लोगों को लेने के लिए रिकमेंड करें या ना करें जो कॉन्टैक्ट में आते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.